जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान अंसारी, आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न का जोर और साथ में गुना भी है। चलिए गाइस, इसको किस प्रकार सॉल्व करना है आज आपको हम यही बताने वाले हैं। और गाइस, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सवाल गाइस यहाँ पर ये है कि 4/2 फिर प्लस 3/4 फिर गुने यानी गुना 4/6। तो गाइस, इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह आपका जोड़ है और यहाँ आपका गुना है। तो गुना और जोड़ बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो गाइस, सबसे पहले आप ध्यान रखो कि सबसे पहले आप यहाँ भाग, उसके बाद भाग जब नहीं रहे तब गुना बनाना है, गुना नहीं रहे तब जोड़, और जोड़ के बाद घटा। यानी सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है भाग। भाग सॉल्व क्या हुआ है ना, भाग तो है ही नहीं, भाग तो करना नहीं है इसमें, है ना, भाग है ही नहीं तो भाग करना नहीं है, भाग के बाद गुना करना है। ठीक है, ये आपका गुना है। गुना के बाद आता है गाइस जोड़, और फिर बाद में आता है घटा। तो गाइस, यहाँ पर भाग तो है नहीं तो भाग को सॉल्व नहीं करना है, करना क्या है यहाँ पर गुना सॉल्व करना है, फिर जोड़ सॉल्व करना है, क्योंकि गुना और जोड़ यही दो है। तो पहले गुना करेंगे, पहले जोड़, पहले आपको गुना करना है फिर आपको जोड़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब गुना को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर जोड़ को भी सॉल्व करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आप 4 × 4, 4 × 4 काट दो, क्योंकि देखो गुना का प्रोसेस क्या होता है कि ऊपर नीचे कटता है, ऊपर से नीचे कट जाता है ना, और कोना कोने भी करता है। ठीक, तो 4 × 4 फिर 4 × 4 खत्म, खलास हो गया। अब उसके बाद 3 × 3 और 3 × 6 दो बार में कट जाता है। 3 × 3 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 बार में ये, सॉरी 3 से कटता है, 2 बार में ये कटता है और ये 1 बार में कटता है। ठीक है, अब गाइस इसको लिखना है अपना 4/2 फिर प्लस यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब उसके बाद यदि आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 2 × 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 को भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, और 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2 × 2 1 बार में, और 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो गाइस, 4 कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ लिखो 5 और बट्टा कितना हो जाएगा 2, 5/2 आंसर, ये आपका इस सवाल का आंसर आ गया। चलिए गाइस, हम दूसरा सवाल लेते हैं और उसको भी सॉल्व करके बताते हैं किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। गाइस, इसे थोड़ा सा बड़ा हम सवाल लेंगे, जैसे मान लो हम ले लेंगे 5/2 × 6/5, ये एक सवाल हो गया। अब इसमें एक सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी जोड़ बताना बाकी है, फिर जोड़ 4/3 फिर गुना हो जाएगा 3/12, ये आपका सवाल हो गया। गाइस, इस सवाल में आप देख पा रहे होंगे इधर भी आपका गुना है, इधर भी गुना है, और बीच में जोड़ है। तो पहले हम गुना को सॉल्व करते हैं ना, पहले हम क्या करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे, गुना सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर जोड़ को सॉल्व करेंगे ना। तो गुना को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर आपका 5, यहाँ देखो ये आपका, ये जो हम थोड़ा सा थोड़ा डैश कर देते हैं, ये आपका गुना का इतना आपका गुना है, इस प्रश्न में ये इतना गुना है और ये इतना गुना है, ये दोनों गुना इधर है, ये गुना इधर का है, यानी कि ये यहाँ का हम यहाँ नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ है, जोड़ को हम काट नहीं सकते ऊपर, मतलब इस तरह कोना को नहीं, हम नहीं काट सकते। ठीक है, तो हमको जोड़ को नहीं काटना है, बाकी हमको इधर का इधर काटना है और इधर का इधर काटना है। जैसे 5 × 5, 5 × 5 कट गया, 5 × 5, 5 × 5 खत्म। उसके बाद 2 × 2, 2 × 3 = 6 कितना आ गया, 3/1 आ गया, 3/1 आ गया, फिर प्लस यानी कि जोड़। अब उसके बाद गाइस, ये जोड़ का जोड़ आ गया, अब यहां पर सोचो आप क्या करोगे, यहां पर हम करते हैं 3 × 3, 3 × 3 खत्म हो गया, 3 × 3, 3 × 3 दोनों खत्म। अब उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 4, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो आपका यहां पर आ गया 1/3, ये आपका गुना समाप्त हो गया, अब आपका ये जोड़ का जोड़ आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और कमेंट में बताना कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। अब गाइस, यहां से हम क्या करते हैं, 3 × 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से जब इसको भाग करेंगे तो 3 बार में, क्या 3 × 3, 3 बार में आया, अब 3 से जब इसको भाग करेंगे, गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ 3 × 3 और 1 × 1 तो कितना आ गया, 9 × 1 = 10/3, ये आपका आंसर आ गया।
तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, इसका अभी हम और भी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल जो इजी वे में हम इजी तरीके से हम बताकर आपको मतलब बनाकर आपको बताएंगे। तो वीडियो को भी सबसे मतलब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाना ताकि मेरा अगला जो वीडियो आएगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ अगली वीडियो।